ना चंबल नदी पढ़ रहे हैं आपा, कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल इधर देखो आपकी, चंबल नदी का उद्गम स्थल जनपा पहाड़ी। जनपा पहाड़ी कौन सी है? कहाँ पर है? विंध्याचल पर्वत में। और विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है? एमपी में। तो चंबल नदी विंध्याचल पर्वत की जनपा पहाड़ी एमपी से निकलती है। चंबल नदी निकल जाती है, निकलने के बाद में देखो ये आ जाती है अपन की, और चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया और उस बांध का नाम क्या रखा गया? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कौन से जिले में बनाया गया? तो मंदसौर जिले में बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है? उसके बाद में देखो चंबल नदी और आगे जाती है, और जाने के बाद में ये जो चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग से। कौन से दुर्ग से? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग से। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग कौन से जिले में बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो पहला बांध तो चंबल नदी का गांधी सागर बांध हो गया, दूसरा बांध हो गया है ना मंदसौर जिले में, ये गांधी सागर बांध किस जिले में? मंदसौर जिले में। आगे राजस्थान प्रवेश भैंसरोड़गढ़ दुर्ग से करती है, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और चित्तौड़गढ़ जिले में ही चंबल नदी पर दूसरा बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध बना दिया कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन से जिले में? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। आगे जाती है चंबल नदी और जाने के बाद में फिर कोटा जिले में प्रवेश करती है, और कोटा जिले में एक बांध बना दिया गया चंबल नदी पर, और उस बांध का क्या नाम रखा गया? कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध हो गया कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कौन से जिले में? कोटा जिले में। उसके बाद में तो चंबल नदी और आगे जाती है, और जाने के बाद में फिर चंबल नदी पर एक बांध और बना दिया गया, और उस बांध का नाम है जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध पर कोटा में बूंदी जिले की सीमा, कोटा में बूंदी जिले की सीमा। फिर आगे चंबल नदी बारह जिले की सीमा में प्रवेश करती है, और बारह जिले में बहने के बाद में चंबल नदी आ जाती है अपन के कौन से स्थान पर? रामेश्वर। और रामेश्वर घाट कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर जिला। सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी पर पता है एक नदी तो आती है, कौन सी नदी? सीन नदी। और एक तरफ से आती है अपन की कौन सी नदी? तीन दोनों नदियां आकर कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल नदी पर। और तीनों नदियां जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को नाम दे दिया त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम कहाँ पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर जिले में। उसके बाद में देखो चंबल नदी आ जाती है अपन की करौली जिले की सीमा में, करौली जिले के से गुजरती हुई फिर अपन के धौलपुर जिले तक जाती है, और धौलपुर जिले में बहती हुई उसके बाद में एक तरफ से आती है, इससे आती है अपनी कौन सी नदी आ रही है? ये यमुना नदी। और यमुना इटावा जिले, इटावा जिले के उत्तर प्रदेश में, इटावा जिला कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश जिले में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है।